तो इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट बी का एक क्वेश्चन जो कि जून 2014 में पूछा गया है, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और यह कार्डिनलिटी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ द फंक्शन ऑन आर। कुछ फंक्शन गिवन है यहां पर, सेट ऑफ फंक्शन गिवन है। अब किस तरह के फंक्शन वो देखते हैं। डब्ल्यू इज द सेट ऑफ द कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑन आर। डब्ल्यू जो है कॉन्स्टेंट फंक्शन है। सेम एज एक्स जो है वो पॉलिनॉमियल फंक्शन है ऑन आर। वाई कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन आर। एंड जेड इज ऑल फंक्शन। ठीक है, सेट ऑफ ऑल फंक्शन, जितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं वो है जेड ऑन आर। तो विच ऑफ दिस सेट हैज द सेम कार्डिनलिटी एज दैट ऑफ आर। यानी कि इसमें से कौन सा फंक्शन है जो कि सेम एज आर के जैसे ही कार्डिनलिटी रखता है। और इसके लिए ऑप्शन आपके पास है, क्या वो ओनली डब्ल्यू जो है वो आर की जैसे कार्डिनलिटी लगती है, या फिर डब्ल्यू होगा एक्स होगा, या तीनों डब्ल्यू एक्स जेड होगा, या चारों यहां पर ऑप्शन होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम एक रिजल्ट देखेंगे। इसमें कुछ रिजल्ट देखेंगे, ठीक है, क्या रिजल्ट इसमें यूज कर सकते हैं हम। फर्स्ट अगर देखें, एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, क्या आपको पता है कि जितने भी कॉन्स्टेंट फंक्शंस है वो सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। मींस अब क्या कोशिश कर रहे हैं, कनेक्टेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितने भी दिए हुए हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, ये जो दिए हैं सबको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जितने भी कॉन्स्टेंट फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। ठीक है, उसी तरह से जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये भी पता है। उसके बाद थर्ड नंबर एक और रिजल्ट देख रहे हैं हम। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज अ टाइप ऑफ अ फंक्शन। यानी कि कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो फंक्शन का ही एक टाइप है, फंक्शन के अंदर ही आता है, टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये तीन चीजें हमने देखी। ओके, अब मैं लिखते जा रहा हूं सारे फंक्शन को, एक बार मैं लिखता हूं। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में इसको मैं लिखने जा रहा हूं फंक्शंस को। देखो, w इज इक्वल्स टू क्या है, f हमने ले लिया सपोज। ठीक है, f टाइप कोई फंक्शन है, सेट ऑफ फंक्शन है, इसलिए हमने f लिया है। और f किस तरह का है, r टू r है। r टू r मीन्स कॉन्स्टेंट है, r टू r है लेकिन कॉन्स्टेंट है। ठीक है, उसके बाद x जो है वो भी आपका सेट ऑफ फंक्शन है, और फंक्शन किस तरह का है, ये भी r टू r है, ऑन r फंक्शन है, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस पॉलिनोमियल। ओके, y जो है ये भी सेट ऑफ फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम r टू r है, एंड कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, z क्या है, ये भी फंक्शन है, r टू r एक फंक्शन है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस है। ठीक है, ये चीज हमारे पास गिवन है। अब अगर देखा जाए, नोटिस दैट w इज अ सबसेट ऑफ x, इज अ सबसेट ऑफ y, इज अ सबसेट ऑफ z, क्या ये होगा? क्योंकि हमने जो रिलेट किया था अभी रिजल्ट्स में देखेंगे हम, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि सॉरी एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। इट मीन्स जितने कॉन्स्टेंट फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन का सबसेट बन जाएगा, और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन का सबसेट बन जाएगा।
और एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इस टाइप्स ऑफ अ फंक्शन, यानी कि कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो टाइप ऑफ अ फंक्शन के अंदर ही आता है, इसलिए कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो फंक्शन, ये जो टाइप ऑफ फंक्शन है उसका सबसेट बन जाएगा। तो तीनों जो हमने लिखा था, चारों जो हमने लिखा था, w, x, y, z, ये सारे जो हैं वो सबसेट के फॉर्म में आ जाएंगे। w इज अ सबसेट ऑफ x, इज अ सबसेट ऑफ y, इज अ सबसेट ऑफ z, इस तरह का। तो अब कैसे डिफाइन कर रहे हैं देखते हैं। डिफाइंड फंक्शंस किस तरह का डिफाइंड हो रहे हैं। डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा, कोई अल्फा हमने ले लिया जो कि कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कॉन्स्टेंट फंक्शन हमको मिल रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देन अब ये जो सेट ऑफ जो फंक्शन है, इसका सेट ऑफ जो फंक्शन है वो, मतलब जो फंक्शन है वो w में बिलोंग कर रहे हैं। क्यों बिलोंग कर रहे हैं w में, क्योंकि अब w जो है सेट ऑफ फंक्शन है, और फंक्शन किस तरह का है, उसकी वैल्यू अल्फा आ रही है, ठीक है, वैल्यू अल्फा आ रही है, और क्योंकि वो सेट ऑफ फंक्शन है w, इसलिए फंक्शन इसमें बिलोंग करेगा। अब फंक्शन जब इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं ना, इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस होंगे, तो फंक्शंस जो है वो क्या होंगे, रियल नंबर टू रियल नंबर में जा रहे थे, फंक्शन जो है रियल नंबर टू रियल नंबर, इसलिए रियल नंबर की कार्डिनलिटी इसमें आ जाएगी। हेंस डब्ल्यू, कार्डिनलिटी ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ आर, इट मीन्स सी क्वांटिनम, ठीक है, क्वांटिनम मैंने आपको पहले बताया था, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट अगर कोई नंबर है तो उसके लिए कार्डिनलिटी जो है हम क्वांटिनम लेते हैं, ठीक है। अब फॉर ऑप्शन टू देखते हैं, फॉर ए, फॉर ए, ऑप्शन ए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है, पॉलीनोमियल फंक्शन गिवन है आपको, पॉलीनोमियल फंक्शन को इस तरह से आप लिख सकते हो, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन इन्फाइनाइट जाएगा ये, ठीक है, एंड ए बिलोंग्स टू आर, और आई इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, आई में क्या ले रहा हूँ, जीरो वन टू, बात आ रही समझ में, ये आई है यहाँ पर, ए जीरो ए वन ए टू, जो टू थ्री ये सारे जो आ रहे हैं वो आई है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सिंस डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ये हमको पता है, W जो है X का सबसेट है, और ऑलरेडी हमको पता है W इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, यानी कि उसकी क्वांटिनम क्वांटिनम जो है उसका कार्डिनलिटी है, तो इसका मतलब क्या है, देखो W इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट क्योंकि R से रिलेटेड है इनफाइनाइट, देयरफॉर x is uncountably infinite, infinite। अब x जब uncountably infinite है तो वो r के सिमिलर होंगे, r के सिमिलर means cardinality of x is equals to cardinality of r is equals to quantinum हो जाएगा, ओके। अब सेम एज फॉर ऑप्शन, ये ऑप्शन कौन से देखे थे, ये b ऑप्शन था, सॉरी a ऑप्शन तो देख चुके थे, b ऑप्शन, अब c ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन c, ठीक है, फॉर सी, सी के लिए क्या होगा, वाई इज इक्वल टू गिवन है फंक्शन, सेट ऑफ फंक्शन, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, और कौन से टाइप के फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, ये हमको पता है, स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था, तो सिंस एक्स इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, देयरफॉर वाई इज ऑल्सो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि एक्स जो है वाई का सबसेट है और वाई जो है सुपरसेट है, तो एक्स जब अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है तो उसका सुपरसेट भी तो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा सेट जब है, छोटा सेट अगर अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है तो बड़ा सेट जो है वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अगर ये सेट आपका काउंटेबल होता तो ये जरूरी नहीं कि ये अनकाउंटेबल होगा, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन जब ये अनकाउंटेबल है तो उससे बड़ा सेट तो अनकाउंटेबल होगा ही, ओके। इट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ आर, सिमिलर हो जाएगा आर के क्वांटिनम, ये भी हमारे पास आ गया।
ठीक है, सबकी कार्डिनेलिटी जो है आर की कार्डिनेलिटी के सेम में आ गई, ठीक है, उसी की तरह। फॉर डी लिखते हैं फोर्थ ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या था, जेड इज इक्वल टू सेट ऑफ फंक्शन, ऑल टाइप ऑफ फंक्शन आर टू आर, ठीक है। अब यहां हमको पता है वाई इज अ सबसेट ऑफ जेड, सिंस वाई इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, सेम वाई रीजन अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या है, जेड भी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होगा, देयरफॉर जेड इज ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका सुपरसेट है, तो सबसेट अगर अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है सुपरसेट भी होगा, इज ऑल्सो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ओके। तो कार्डिनेलिटी ऑफ जेड इज इक्वल टू कार्डिनेलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास आ गया। तो ऑल सेट्स जो है वो सेम आर के जैसी कार्डिनेलिटी लगती है, तो ऑल ऑफ एक्स, सॉरी डब्ल्यू पहले था, ऑल ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड हैव द सेम कार्डिनेलिटी, कार्डिनेलिटी एज दैट ऑफ आर, आर के जैसे कार्डिनेलिटी रख रही है, इसका मतलब क्या है, सो ऑप्शन, विच ऑप्शन, ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि डी में सारे को बोल रहा है कि वो आर के जैसे ही कार्डिनेलिटी रखती है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे।